एक्सरसाइज कौन सी? 7.6 कर रहे हैं हम पहले, 7.7 सॉरी 7.7 एक्सरसाइज 7.7। बच्चे एक्सरसाइज 7.7 से पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ो जरा। देखो जरा, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, a² - x² dx। नहीं, मैंने आपको कौन सा बताया था, a² - x² ही बताया था, हाँ dx, ठीक है। नेक्स्ट इज a² + x² dx एंड थर्ड वन है बच्चों x² - a² dx। देखो जरा ये फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² इज x/2। फिर ये टर्म एज इट इज रहेगी, a² - x² प्लस बच्चों a² / 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x/2 इंटू अंडर रूट a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। हाँ, सेकेंड वन इज x/2 फिर ये टर्म एज इट इज a² + x² दिस इज x/2 a² - x², ये a² - x² नहीं है एक्चुअली, ये क्या है बच्चों x² - a² अच्छा देखो बच्चों, ये फर्स्ट तीनों का फर्स्ट पोर्शन तो एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो साइन आएगा ये वही साइन होगा जो a का साइन होगा, फर्स्ट वाले में a का साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया। यहां पर a का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और इसमें a का साइन कैसा है, तो माइनस a माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब ये फॉर्मूला ऐसे था 1/a² + x², तो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखा था, log of x + √a² + x² + c, ये लिखा था, तो वही लिखना है आपको, log of, यहां क्या लिखना है, log of x + √x² + a² + c, ठीक है। यहां पर भी थर्ड वाले में भी आपको क्या लिखना है, log of a² / 2 log of, जब ये वाला फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर में था, सॉरी ये इस टाइप के टर्म डिनोमिनेटर में थी x² - a² तो इसका फॉर्मूला क्या था, दिस इज log of x + √x² - a² + c, ठीक है, log of x + c, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बच्चों, ये आपको याद करने हैं। चलें आगे, सो आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज 7.7 देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 - x² dx। इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x² dx बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो,
टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अभी हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, दिस इज एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाई, ये होता है। तो क्या होगा बताओ इसका इंटीग्रेशन, ए की जगह क्या है यहां पर टू, पहले इसको क्या लिखेंगे एक्स बाई टू इंटू क्या बोला था, हाँ स्पार्किंग हुई थी, स्पार्किंग तो ठीक अच्छी बात नहीं है, किसमें हुई थी अच्छा चलो क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट एक्स बाई टू, फिर ये टर्म एज इट इज आएगी टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए मतलब टू प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं, चलो आगे फिर सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है सेकंड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट बोलो 1 माइनस फोर एक्स स्क्वायर dx, मैंने भेज दिया I इज इक्वल टू बताओ बच्चों, अच्छा इसमें क्या करेंगे, अच्छा क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्या करें पुट इज इक्वल टू टी 2dx इज इक्वल टू dt, और यहां से कितना आ गया dx dt, क्या बनेगा बताओ जरा इंटीग्रेशन, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई टी। ठीक है टू को हम बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू बोलो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अब देखो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए एक्स बाई टू, एक्स बाई टू की बजाय यहां क्या आएगा टी बाई टू, टी बाई टू बताओ आगे, फिर ये टर्म एज इट इज वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टू, सॉरी ए स्क्वायर बाई टू होता है तो वन बाई टू आएगा साइन इनवर्स टी बाई वन, टी बाई वन, वन लिखने की तो ज्यादा जरूरत है नहीं, क्या करेंगे अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है दिस इज इक्वल टू वन बाई टू टी बाई टू, टी बाई टू मतलब टी क्या था बताओ जरा टू एक्स, टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू एक्स होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स ऑफ टी, टी क्या है, टी क्या है टू एक्स, टू एक्स बाई, टू एक्स बाई वन प्लस, तो क्या आंसर आया, यहां का टू कैंसिल हो गया बच्चों, इस टू को बाहर रखना चाहोगे अंदर, अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ऑफ वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, तो ये हाफ क्या हो जाएगा फोर बन जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ थर्ड क्वेश्चन क्या है। हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो बच्चों इस बार परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स नहीं है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस बताओ 4x, बताओ आगे क्या है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 4, 2 से डिवाइड कर दिया, 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो इस 6 को ही स्प्लिट कर देते हैं, 4 प्लस 2 लिख देते हैं 6 को, क्योंकि हमें 4 चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, बताओ एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर, एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर प्लस रूट टू का स्क्वेयर डीएक्स, ठीक है, क्या करेंगे अब? पुट करें एक्स प्लस टू को टी पुट, या आप, क्योंकि ये एक लीनियर टर्म है और एक्स का कोफिशियंट भी वन है, आप इसको डायरेक्ट एक्स की तरह भी अज्यूम कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये डायरेक्टली यहां पर अकेला एक्स नहीं होता, जैसे मान लो 2x होता, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर होता, तो उस केस में आपको इसको टी पुट करना कंपलसरी था। अभी आप बिना टी पुट करे भी कर सकते हैं इसको। अब इस पूरे को आप क्या करेंगे? एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। देखो फिर बिना पुट करे अगर करते हैं तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, हाँ बताओ एक्स एक्स बाई टू मतलब एक्स टू एक्स प्लस टू बाई टू, उसके बाद ये टर्म एज इट इज आएगी बच्चों, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर प्लस रूट टू स्क्वेयर, ठीक है, रूट टू का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू। हाँ तो ए स्क्वेयर बाई टू तो तब भी आएगा ना, ए स्क्वेयर बाई टू मतलब टू बाई टू, एंड लॉग ऑफ, लॉग ऑफ बच्चों एक्स प्लस, लिखो वहां पर अगर नहीं लिखा तो, पिछले पेज में नहीं लिखा? ए स्क्वेयर बाई टू, अच्छा यहाँ ए स्क्वेयर बाई टू रह गया बच्चों, ए स्क्वेयर बाई टू करो यहाँ पर, दोनों सभी में होता है वो तो, ठीक है बच्चों ये हो गया। अच्छा आ जाओ फिर आप अपने क्वेश्चन पे वापस। लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, फिर ये टर्म हमें एज इट इज लिखनी है, रूट टू स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों? दिस इज अंडर रूट ऑफ, बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, बोलो इसको ओपन करो, वापिस वही टर्म आनी है, चाहे डायरेक्ट लिख दो, हाँ जहां से हमने ये बनाया था इसी टर्म से बनाया था, तो वापिस इसको एज इट इज लिख दो, और या ओपन करके प्रॉपर दिखा दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6, ओपन करके इसको दिखा भी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख दोगे तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता। इसको यहां से कट कर दो, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस टू प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों ट्राई. कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ या थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है. चलो फोर्थ खुद से ट्राई करो. एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अंडर रूट डीएक्स. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस, बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. एक्स का कॉफिशियंट क्या है? फोर, फोर का हाफ करेंगे टू, टू का स्क्वायर यानी कि फोर ऐड करना है. ऐड किया फोर, वन पहले से ही था, ऐड किया तो माइनस भी करना होगा. ठीक है, देखो बच्चों. ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये हम पिछले काफी दिनों से सीखते आ रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं. आई थिंक इसको तो बताने की जरूरत नहीं होगी. चलो देखो क्या बन गया. ये क्या बना? x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में, ये क्या बचेगा? थ्री, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, क्या पुट करें? x प्लस टू को टी पुट, जरूरत नहीं है, नहीं पुट करना चाहते तो मत करो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा? x प्लस टू बाई टू. ठीक है, x प्लस टू बाई टू इंटू रूट ऑफ, उसके बाद ये टर्म एज इट इज आएगी. ठीक है, x प्लस टू बाई टू, फिर ये टर्म एज इट इज रहेगी, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस माइनस, बताओ थ्री बाई टू. हाँ, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस टू सिर्फ, एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, क्या आएगा बताओ जरा? एक्स प्लस टू बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू. क्यों? इसको, हाँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी ये इसको सिंप्लीफाई करके अगेन वापस क्या आएगा बोलो? ये वापस यही टर्म आएगी, ये वाली करके देख सकते हो आप. एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, इसको ओपन करेंगे अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू, बोलो जरा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्या करेंगे, कौन बताएगा?
कौन कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको? बता सकता है? माइनस बाहर रूट से कभी कॉमन नहीं आता, ठीक है, रूट से बाहर माइनस कभी कॉमन नहीं आता, तो फिर कैसे करें इसको? अगर आपको माइनस लेना है तो यहां से कॉमन लो इन दो टर्म्स के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी एक्स, बताओ जरा। वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, बताओ क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं इसको? एक्स का ऑप्शन क्या है? फोर, उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? क्या आएगा? फोर आएगा, फोर ऐड करना है, फोर सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब देखो जरा ये है, अब ये फोर हमें तो सिर्फ इतनी, ये थ्री टर्म्स सही है होल स्क्वायर के लिए। इस फोर को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो वो क्या बन जाएगा? फोर ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो अगर मैं ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर देता हूं तो ये फोर क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था? नेगेटिव, ठीक है। अब क्या बना देखो जरा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस, ये बताओ क्या है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और वन और फोर क्या बन जाएंगे बच्चों? फाइव, उसे क्या लिखेंगे? रूट फाइव का होल स्क्वायर, रूट फाइव का होल स्क्वायर dx dx। चलो करो इसके अप्लाई, दिस इज एक्स प्लस टू बाई टू इंटू रूट ऑफ फाइव, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलो पहले तो आइडेंटिटी लगाते हैं, फाइव रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स बाई टू, फिर ये टर्म एज इट इज, ए कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का मतलब रूट फाइव, रूट फाइव का होल स्क्वायर फाइव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू, हाँ आगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है? एक्स प्लस टू अपॉन अपॉन रूट फाइव प्लस, ठीक है। एक स्टेप और लिख सकते हैं इसमें, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई टू, फाइव माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? वन, माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर, चलो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई रूट फाइव प्लस, चले आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ जरा, कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स, चलो सिक्स आप खुद से ट्राई करना बच्चों, ठीक है। सेवेंथ करें, सेवेंथ क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू, करो जरा इसको ट्राई करो, इंटीग्रेशन ऑफ
वन प्लस थ्री एक्स बताओ जरा क्या करेंगे। हाँ बताओ बच्चों क्या आया। वन प्लस माइनस कॉमन ले लें यहां से, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो ये क्या ऐड करें इसमें, माइनस थ्री, इसका हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, नाइन बाई फोर ऐड करना पड़ेगा। नाइन बाई फोर लिखें या थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिखें, यूजुअली तो मैं कभी लिखता नहीं हूं, चलो इस बार लिख देता हूं। ये एक्चुअली माइनस हुआ है, ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस नाइन बाई फोर डी एक्स, ये सारा रूट के अंदर है। क्या करें अब इसमें बताओ जरा, वन और नाइन बाई फोर, वन एंड नाइन बाई फोर बताओ, थर्टीन, तो इसको रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर लिख दें, रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर लिखते हैं, वन को और नाइन बाई फोर को एलसीएम लेके ऐड करो आप, थर्टीन बाई फोर आएगा, तो रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट, ये क्या होना चाहिए, एक्स माइनस कहाँ बच्चे, ये रूट थर्टीन है बेटा। हाँ क्या करोगे बच्चों इस पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे तो ये क्या होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स माइनस थ्री बाई टू, सॉरी थोड़ा सा क्या लिखेंगे इसको, x माइनस थ्री बाई टू ऑल अपॉन टू एक्स बाई टू, ठीक है, फिर अंडर रूट ऐसे एज इट इज, रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, सो थर्टीन बाई फोर, हाँ आगे क्या आएगा, नहीं 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 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है बच्चों, एक्स माइनस थ्री बाई टू, ए कितना आएगा, रूट थर्टीन बाई एक्स बाई ए, रूट थर्टीन बाई टू प्लस ए, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, तो ये हो गया बच्चों टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर, दिस इज व्हाट, थर्टीन बाई फोर माइनस, अच्छा इस कंप्लीट टर्म को सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म लिख सकते हैं, क्या वन माइनस क्या था, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म आएगी, साइड में आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, प्लस थर्टीन बाई फोर
साइन इनवर्स, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अपॉन क्या है, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एट्थ क्वेश्चन, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, चलो ट्राई करो इसको, बिल्कुल सिंपल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, या मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं, वही करना है आपको, क्या करना है देखो, एक्स का ऑप्शन कितना है 3, इसका हाफ करेंगे 3/2 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है, और माइनस क्या करना है 9/4, तो ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, बोलो होल स्क्वायर, ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ ये बार नाइन्थ क्वेश्चन ट्राई करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, नहीं इसको ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसा भी कर सकते हैं और 3 को बाहर लिख दें, ठीक है, 3 को कहां लिख दें, बाहर, पहले एलसीएम लिया 3 बाहर आ गया, तो ये तो वन स्टेप क्वेश्चन हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स ये लगा सकते हो आप, ठीक है, सीधा इस पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगाएंगे, या फिर इसको हम क्या करते, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक्स बाई 3 को क्या पुट करना पड़ता, टी, क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट या 1 नहीं है, एक्स का कोफिशियंट क्या है 1/3, ठीक है, तो आई थिंक वही बेटर है, फिर यहां डीएक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डीटी, तो डीएक्स क्या आ जाएगा 3dt, बताओ लगा लोगे, फॉर्मूले लगाने हैं जस्ट, ठीक है ना, पहले x बाई 2, फिर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 9/2, क्या आएगा इसमें, लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट प्लस में c, ठीक है,
कर लोगे जरा इसको। नेक्स्ट क्या है भाई? इसी टाइप के क्वेश्चन से सारे, एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी ट्राई करना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन बस सारे एक ही टाइप के हैं। ठीक है,